हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। ये आज आपका 11th स्टैटिस्टिक्स में चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 4 है। चैप्टर 3 में लास्ट लेक्चर 3 लिया था, जिसमें मैंने आपको 3.1 कंप्लीट करवाई थी। अब मैं आपको 3.2 करवा रहा हूँ। सो एक्सरसाइज 3.2 में हम सीखेंगे कंबाइंड मीन एंड वेटेड मीन। अब पहले तो कंबाइंड मीन होता क्या है, तो कंबाइंड मीन में आपको दो अलग अलग ग्रुप दिए हुए होंगे और दोनों का इंडिविजुअली मीन कैलकुलेट किया हुआ होगा। आपको उन दोनों ग्रुप को मिलाकर फाइनली एक कंबाइंड मीन कैलकुलेट करके दिखाना है। अब दो अलग अलग ग्रुप होंगे वो कैसा, सपोज करते हैं कि इस साल किसी स्कूल में जो बॉयज़ थे, बॉयज़ एंड गर्ल्स, टोटल 100 बॉयज़ थे और 100 गर्ल्स थे, 200 स्टूडेंट्स थे किसी स्कूल में स्टैंडर्ड 12th में। नाउ गर्ल्स का रिजल्ट 70% आया, मींस 100 में से 70 गर्ल्स पास हुई, और बॉयज़ का रिजल्ट 60% आया, मीन्स 100 में से 60 बॉयज पास हुए। टोटल 100 में से 70 गर्ल्स पास हुई और 100 में से 60 बॉयज पास हुए। अब अगर मैं आपको पूछूं कि कंबाइंड रिजल्ट स्कूल का कितना आया, तो स्कूल में टोटल स्टूडेंट कितने पास हुए, 60 प्लस 70, टोटल 130 स्टूडेंट्स पास हुए। कितने में से, 100 बॉयज और 100 गर्ल्स, 200 में से। तो स्कूल का रिजल्ट कितना आ गया, तो 65 आया क्या। गर्ल्स 100 में से 70% गर्ल्स पास हो गई, 100 में से 60% बॉयज पास हुए। ये है दो अलग अलग ग्रुप, कि गर्ल्स का ग्रुप अलग, बॉयज का ग्रुप अलग। गर्ल्स का रिजल्ट अलग आया, बॉयज का रिजल्ट अलग आया। उसके बाद हमने देखा कि टोटल पूरे स्कूल का रिजल्ट कितना आया। तो स्कूल में हमने क्या देखा, गर्ल या बॉय नहीं देखा, हमने देखा कि टोटल कितने स्टूडेंट्स पास हुए, 60 प्लस 70 130 स्टूडेंट्स पास हुए। कितने में से, 100 बॉयज एंड 100 गर्ल्स में से, 200 में से। तो पूरे स्कूल का रिजल्ट आया 65। अब यहाँ पर जो बॉयज़ का नंबर है हम उसे N1 बोलेंगे और जो गर्ल्स के नंबर हैं उसे हम N2 बोलेंगे। जो बॉयज़ का एवरेज रिजल्ट आया है उसे हम X1 बार बोलेंगे और जो गर्ल्स का एवरेज रिजल्ट आया है उसे हम X2 बार बोलेंगे। कंबाइंड मीन कैलकुलेट करने के लिए कंबाइंड मीन X bar C थोड़ा सा छोटा लिखा जाता है और फॉर्मूला अप्लाई की जाती है N1 X1 बार N2 X2 बार डिवाइड बाय N1 प्लस N2। ये अप्लाई किया जाता है और फाइनली हम रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे। सो कंबाइंड मीन का कंसेप्ट क्लियर हुआ आपको, दो अलग अलग ग्रुप हैं। अब यहाँ पर मैंने बॉयज एंड गर्ल्स के नंबर्स इक्वल लिए हैं, बट सपोज करो 200 बॉयज हैं और 300 गर्ल्स हैं, तो भी हो सकता है गर्ल्स का रिजल्ट अलग आएगा, बॉयज़ का अलग होगा। जब दोनों को मिलाकर हम फाइनल कैलकुलेट करेंगे तो उसे हम कंबाइंड मीन बोलेंगे। क्वेश्चन में आपको दो अलग अलग ग्रुप दिए हुए होंगे और आपको N1, X1 बार, N2 एंड X2 बार दिया हुआ होगा। सो आइए इन्हीं क्वेश्चंस को बुक में से समझते हैं। एक्सरसाइज 3.2 पेज नंबर 81 आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। मैं पहले क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। द मीन डेली वेजेस पेड टू 75 स्किल्ड वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री वॉज ₹280। 75 स्किल्ड वर्कर्स, स्किल्ड मीन्स जो क्वालिफाइड होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं, स्किल्ड बोलते हैं। 75 स्किल्ड वर्कर्स को 280 सैलरी मिल रही है। अब पॉइंट को ध्यान से समझना। N1 75, स्किल्ड वर्कर्स 75 हैं। उन 75 वर्कर्स की सबकी सैलरी 280 नहीं है, किसी की 300 होगी, किसी की 250 होगी, बट उन 75 के ग्रुप का जो मीन निकाला गया है
मीन मीन्स एक्स वन बार मीन ऑफ दी 75 वर्कर्स 280 है. मीन्स इन 75 वर्कर्स को मिलने वाली सैलरी का वेजेस का जो मीन निकाला है वो 280 निकला है. वेयर इज द मीन डेली वेज पेड टू 125 अनस्किल्ड वर्कर वॉज 150. अनस्किल्ड जो वर्कर्स हैं उनका नंबर है 125 अनस्किल्ड वर्कर्स, और अनस्किल्ड वर्कर्स को जो सैलरी मिलती है 125 उसका मीन है 150. तो देखिए ये दो ग्रुप हैं, एक स्किल्ड वर्कर्स का ग्रुप है दूसरा अनस्किल्ड वर्कर्स का ग्रुप है. फाइनली क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द मीन वेज ऑफ ऑल द वर्कर्स. आप वर्डिंग को अंडरलाइन करोगे ऑफ ऑल द वर्कर्स. ऑल द वर्कर्स मीन्स पूरे एंटायर ग्रुप का मीन कैलकुलेट करना है. उसका मतलब होता है कि हमें कंबाइंड मीन कैलकुलेट करना है. उसका मतलब क्या होगा, हमें कंबाइंड मीन कैलकुलेट करना है. सो कंबाइंड मीन का यही फॉर्मूला लिखेंगे और उस फॉर्मूला में फिर हम वैल्यू लिख देंगे. सो आइए कंबाइंड मीन देखते हैं. एक्स बार सी इज इक्वल्स टू एन वन एक्स वन बार प्लस एन टू एक्स टू बार डिवाइड बाय एन वन प्लस एन टू. मैं वैल्यू रख रहा हूँ, एन वन की वैल्यू है 75 इंटू एक्स वन बार की वैल्यू है 280 प्लस एन टू की वैल्यू है 125 डिवाइड एक्स टू की वैल्यू है 150 और डिवाइड में हमें लिखना है एन वन 75 प्लस एन टू 125. अब क्या करेंगे, अब सिर्फ हमें इसे सॉल्व करना है. सो 75 इंटू 280 21,000 आंसर आना चाहिए. 21,000 प्लस 125 इंटू 150 18,750 डिवाइड बाय 200. सो फाइनली 18,750 प्लस 21,000 39,750 डिवाइड बाय 200. तो ये आंसर आया 198.75 कंबाइंड मीन. तो जो स्किल्ड वर्कर्स थे उनका मीन आ रहा था 280, जो अनस्किल्ड वर्कर्स थे उनका मीन आ रहा था 150, और जो कंबाइंड मीन आया वो है 198. ये जो कंबाइंड मीन होगा ये दोनों मीन के बीच में आएगा. कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कंबाइंड मीन 150 से छोटा हो जाए या 280 से बड़ा नंबर आ जाए. इन दोनों नंबर्स के बीच में ही आएगा. ठीक है, सो ये फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट किया मैंने. पहले आप इसे नोट डाउन कर लो, तो फिर हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे. इस एक्सरसाइज में हम कंबाइंड मीन एंड वेटेड मीन दोनों ही सीखने वाले हैं, तो इससे पहले आप नोट डाउन कर लो. सो स्टूडेंट्स, अब हम 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं. इसमें हम वेटेड मीन देखेंगे. पहले मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ. क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द वेटेड मीन ऑफ द परसेंटेज चेंज इन प्राइजेस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. वेटेड मीन कैलकुलेट करना है. नाउ जब भी वेटेड मीन दिया हुआ होगा आपको अलग अलग टाइप के एक्सपेंडिचर्स क्वेश्चन में दिए हुए होंगे. अलग अलग प्रोडक्ट के एक्सपेंडिचर्स दिए हुए होंगे और हर एक एक्सपेंडिचर का जो वेट होगा वो दिया हुआ होगा.
पहले इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। हर एक फैमिली में फूड यूज़ होता है, अनाज यूज़ होता है, बट एक जितना यूज़ नहीं होता। कुछ फैमिलीज फूड ज़्यादा यूज़ करती हैं, कुछ फैमिलीज क्लोथ पर ज़्यादा एक्सपेंडिचर्स करती हैं, फिर कुछ ऐसे होंगे कि जिनका इलेक्ट्रिसिटी पर ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो रहा होगा। सो अलग अलग वेटेज देते हैं हम अपनी लाइफ में, हर एक एक्सपेंस को अलग अलग वेट देते हैं। किसी फैमिली में अगर बच्चे ज़्यादा होंगे स्कूल कॉलेज जाने वाले, तो उनका एजुकेशन एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा। किसी फैमिली में एल्डर मेंबर ज़्यादा होंगे, सीनियर सिटीजन ज़्यादा होंगे, तो उनके मेडिकल एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे होंगे। सो जितनी भी फैमिलीज हैं उनका एक्सपेंडिचर एक जैसा नहीं होता, अलग अलग वेट दिया गया है। सो यहाँ पर आपको किसी एक फैमिली के राइस, वीट, टी, शुगर एंड पल्सेस का वेट दिया गया है कि वो कितना वेटेज देते हैं इन प्रोडक्ट को, और उसके साथ आपको परसेंटेज चेंज ऑफ प्राइस दिया हुआ है कि प्राइस कितने बढ़ गए। परसेंटेज चेंज ऑफ प्राइस का मतलब होता है कि राइस का परसेंटेज 134 है, मीनिंग कि लास्ट ईयर अगर राइस 100% थे तो अब 134% हो गए, मीन्स राइस के प्राइसेस में 34% इंक्रीज हुआ है। वीट के प्राइस में 25% इंक्रीज हुआ है प्राइसेस, टी के प्राइसेस 15% इंक्रीज हुए हैं, शुगर में 97 दिया हुआ है। अब जो बेस प्राइस होता है 100 होता है और यहाँ शुगर 97 हो गया, मीन्स शुगर के प्राइसेस में 3% डिक्रीज हुए हैं प्राइसेस, एंड पल्सेस में 20% इंक्रीज हुए हैं। हमें इसमें वेटेड मीन कैलकुलेट करना है। तो वेटेड मीन के लिए हमें क्या करना है, हमें वेट्स एंड एक्स जो भी आपको दिए हुए हैं दोनों कॉलम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एंड फाइनली वेटेड मीन का फॉर्मूला है, आपको एक्स बार के साथ डब्ल्यू लिखना है, लेकिन डब्ल्यू थोड़ा सा छोटा होना चाहिए। कंबाइंड मीन में कैसे लिखते थे, एक्स बार सी, सी मीन्स कंबाइंड मीन एंड W means वेटेड मीन। तो यहाँ पर आपको वेटेड मीन के फॉर्मूला में वैल्यू रखनी है सिग्मा एक्स W डिवाइड बाई सिग्मा W। तो आइए पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या होगा फाइनली। तो पहले W और X इन दोनों कॉलम्स को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 7 into 134, तो ये आंसर आ जाएगा 938। देन 10 into 125, तो आंसर हुआ 1250। 115 into 5, 575। 97 into 8, तो आंसर हो गया 776। एंड 120 into 2, तो ये आंसर हो गया 240। अब हम XW का टोटल करेंगे, 240 प्लस 776, 575, 1250 एंड 938, तो ये टोटल आया 3779। और दूसरा हमें टोटल चाहिए सिग्मा W, सिग्मा W मीन्स टोटल ऑफ W, 7 प्लस 10, 5, 8 एंड 2, तो ये टोटल आ रहा है 32। अब ये दोनों वैल्यूज हम इस फॉर्मूला में रखेंगे, 3779 डिवाइड बाय 32, तो हमारा वेटेड मीन आ जाएगा 3779 डिवाइड बाय 32, 118.09 and 37। अब मैंने आपको लास्ट एक लेक्चर लिया था वहाँ पर भी बताया था कि हमें पॉइंट में तो टू डिजिट ही लिखने हैं, लेकिन आपको टू डिजिट के बाद थर्ड एंड फोर्थ डिजिट को देखना है, मींस ये दोनों डिजिट को कंसीडर करना है। अगर ये दोनों डिजिट 50 से कम है तो इसे इग्नोर कर दो, अभी 37 है हम इग्नोर कर देंगे, और यहाँ पर 50 या 50 से ज़्यादा आए तो यहाँ 1 प्लस कर देना है। तो इस समय हम इसे 118.09, ये हमारा हो गया वेटेड मीन, ये हमारा आंसर है, ठीक है। सो ये है क्वेश्चन नंबर 2,
ये नोट डाउन कर लीजिए पहले आप, तो फिर मैं आगे आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस करवाता हूँ। नाउ स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 3 ले रहे हैं, एक्सरसाइज सेम 3.2 में, पेज नंबर 82 पर आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन पहले रीड कर रहा हूँ मैं। टू ऑफिसर्स, 10 क्लर्क्स एंड 3 प्यून्स कॉन्ट्रीब्यूटेड फॉर अ स्टाफ पिकनिक। अब ये स्टाफ पूरा पिकनिक पर जा रहा है, टू ऑफिसर्स हैं, 10 क्लर्क्स हैं एंड 3 प्यून्स हैं। द कॉन्ट्रीब्यूशन कलेक्टेड पर पर्सन इज शोन इन द फॉलोइंग टेबल। सो ऑफिसर्स ने कॉन्ट्रीब्यूट किया है 1000 रुपीज। तो मैंने यहाँ पर देखो टेबल बनाया है स्टाफ, जिसमें ऑफिसर, क्लर्क एंड प्यून हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ स्टाफ है, मीन्स वेटेड है, कितना वेट दिया हुआ है। तो टू ऑफिसर्स हैं, 10 क्लर्क्स हैं एंड 3 प्यून्स दिए हुए हैं। और इन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया है दैट इज एक्स, ऑफिसर 1000 रुपीज दे रहे हैं, क्लर्क 500 दे रहे हैं एंड प्यून 200 रुपीज कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। फाइंड द मीन कंट्रीब्यूशन पर पर्सन यूजिंग वेटेड मीन। हमें वेटेड मीन कैलकुलेट करना है। सो वेटेड मीन के लिए फॉर्मूला सेम लगेगा, सिग्मा एक्स डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू। तो पहले मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा। सो 2 × 1000 तो आंसर होगा 2000, 10 × 500 तो आंसर हो जाएगा 5000 एंड 3 × 200 सो आंसर होगा 600। अब हम टोटल कर लेते हैं, 5 + 2 = 7600 और W का टोटल कर लेते हैं, 12 × 3 = 15। फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे, सिग्मा एक्स W 7600 डिवाइड बाय सिग्मा W 15, सो आंसर हो जाएगा 7600 डिवाइड बाय 15, 506.666 ऐसा आंसर आया है। तो क्या करना है, अब आपको पता हो गया है वेटेड मीन, हमें लिखना होगा 506.67। टू डिजिट में लिखना है, लेकिन थर्ड एंड फोर्थ डिजिट को ध्यान में रखकर 50 से ज़्यादा है, तो यहाँ पर 1 प्लस करके 506.67। 1 प्लस करना है मीन्स इस डिजिट में 1 प्लस करना है, यहाँ पर 1 प्लस मत कर देना, 507 नहीं कर देना है यहाँ पर। यहाँ पर हमें 506.67 इस नंबर में 1 प्लस करना होगा, ठीक है। सो ये था क्वेश्चन नंबर 3। आप क्वेश्चन नंबर 3 नोट डाउन कर लीजिए, तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 करवाता हूँ। नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आप लेक्चर वहाँ पॉज कर अपना नोट डाउन कर लीजिए शाम को, या फिर एक बार लेक्चर देख लीजिए, फिर दूसरी बार आपको रिकॉर्ड करने हो तो आप आगे पीछे करके रिकॉर्ड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, पहले क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। द मीन मार्क्स ऑफ 7 स्टूडेंट्स, सॉरी, द मीन मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट इन 7 थियोरी पेपर्स इज 62। किसी एक स्टूडेंट के 7 थियोरी पेपर्स के मीन मार्क्स, मीन्स मीन दिया हुआ है 62। What should be the mean marks in 3 practical examinations so that his mean marks for the entire examination is 68? पूरे examination का mean 68 हो जाना चाहिए। The marks of each theory paper and practical examinations are same. अब यहाँ पर 7 theory papers हैं, N1, 7, और थियरी पेपर्स का जो मीन आया है मींस X1 bar दैट इज 62। प्रैक्टिकल पेपर्स 3 हैं, दैट मींस N2, 3, और इन्होंने बोला है कि पूरे एग्जाम्स का एंटायर मीन, दैट मींस पूरे एग्जाम का एंटायर मीन हो जाएगा, कंबाइंड मीन,
कंबाइंड मीन 68 आया है। और क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि जो प्रैक्टिकल पेपर्स होंगे दैट मीन्स एक्स टू बार, उसका मीन कितना होना चाहिए। अगर किसी स्टूडेंट ने 7 थियरी पेपर्स दिए हैं और थियरी पेपर्स का मीन 62 है, तो प्रैक्टिकल्स पेपर जो 3 हैं उसका मीन कितना होगा, जैसे उसका एंटायर मीन जो है वो 68 हो जाए, पूरे एग्जामिनेशन का एंटायर मीन, कंबाइंड मीन जो है वो इसका 68 हो जाए। तो कंबाइंड मीन की फॉर्मूला में ये सारे वैल्यूज मैं रखूँगा और सॉल्व करूँगा। तो कंबाइंड मीन इज इक्वल्स टू एंड वन एक्स वन बार प्लस एंड टू एक्स टू बार डिवाइड बाय एंड वन प्लस एंड टू। सो कंबाइंड मीन हमें दिया हुआ है यहाँ पर 68 इज इक्वल्स टू एंड वन 7 एक्स वन बार 62 प्लस एंड टू 3 एक्स टू बार हमें कैलकुलेट करना है डिवाइड बाय एंड वन 7 प्लस एंड टू 3। देयरफॉर अब हम पहले सिंपल कर लेते हैं ना, 68 इज इक्वल्स टू 7 इंटू 62 434 प्लस 3 इंटू एक्स टू बार, सो 3x2 डिवाइड बाय 7 प्लस 3, आंसर आएगा 10। सो देयरफॉर अब ये डिवाइड में 10 दिए हुए हैं, अगर हम इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 68 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 434 प्लस 3x2 बार। सो 68 इंटू 10 680 इज इक्वल्स टू 434 प्लस 3x2 बार। अब हमें एक्स टू बार की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो पहले 434 को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे। अब जैसे यहाँ डिवाइड था, लेफ्ट हैंड साइड होकर मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पर साइन कौन सा है, प्लस का साइन है, तो ये 434 लेफ्ट हैंड साइड आएंगे तो माइनस हो जाएंगे। सो 680 माइनस 434 इज इक्वल्स टू 3x2 बार, ये 434 माइनस करेंगे। सो देयरफॉर 680 माइनस 434 तो आंसर आ गया 246 इज इक्वल्स टू 3x2 बार। 246 इज इक्वल्स टू 3x2 बार। आगे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अब मुझे x2 बार की वैल्यू चाहिए, तो 3 क्या है, मल्टीप्लाई में है, इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड आकर डिवाइड हो जाएगा। सो देयरफॉर 246 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू x2 बार। ये 3 हमने डिवाइड कर दिया, 246 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू x2 बार। सो फाइनली 246 डिवाइड बाय 3 तो आंसर आया 82 इज इक्वल्स टू x2 बार। अब पॉइंट को समझ लीजिए कि 7 थियरी पेपर्स का मीन है 62, अगर 3 प्रैक्टिकल हैं और प्रैक्टिकल में ये स्टूडेंट्स 82 मार्क्स स्कोर कर रहा है, तो इन सब का जो 10 के 10 पेपर्स होंगे उसका कंबाइंड मीन जो हो जाएगा, जो एवरेज आएगा उसका रिजल्ट, वो 68 आएगा। कंबाइंड मीन जो होगा वो होगा 68। नाउ ये हमने एक्सरसाइज 3.2 के 4 क्वेश्चंस देखे, 4 क्वेश्चंस दिए हुए, चारों मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं। अब यहाँ पर है आज आपका होमवर्क। होमवर्क में आप करोगे इलस्ट्रेशन 10, 11, 12 एंड 13।
चार इलस्ट्रेशंस होमवर्क में दे रहा हूँ मैं आपको, होमवर्क इलस्ट्रेशन 10, 11, 12 एंड 13। ये चार क्वेश्चन जो आपको इलस्ट्रेशंस में दे रहा हूँ ये आप ट्राई करोगे, कुछ भी डाउट हो आप मुझे कॉल कीजिए, ठीक है। ये एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट हुई, एक्सरसाइज 3.2। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको 3.3 करवाऊँगा। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।